अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग में शुरू की थी। जैसे ही मैं किचन में आई कि थोड़ा सा काम कर लूँ, वैसे ही अफीफा शुरू हो गई। तो मैं बोली मैं टैंक बना कर देती हूँ, जिससे वो पीने में बिज़ी रहेगी तो मैं अपने काम कर सकती हूँ। नहीं अच्छा लगा दादा, नहीं पीते तुम, पी लो। अच्छा है, यमी। भाई भाई आएगा तब पिएगा। जाओ उधर पे, ऊपर बैठो। चलो अफीफा को मैंने टीवी लगा कर दे दी हूँ, वो बैठकर वहाँ पर वॉच कर रही है। जब तक कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी ना तैयारी कर लेती हूँ इफ्तारी के लिए, जिससे कि शाम में ना मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। कभी कभी क्या होता है ना, इफ्तारी के टाइम पर ही बच्चे ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं आज ना चिकन की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, और फ्राइडे है। सोची इतने वक्त से तो मैंने कुछ भी ऐसा चिकन में बनाई नहीं हूँ, कोई भी आइटम नहीं बनाई हूँ। मेन मसला तो ये भी है कि फ्रीज में चिकन नहीं होता है, क्योंकि जो फ्रोज़न आइटम थे उसे ही फ्रीज़र भरा हुआ है। तो चिकन लाते भी हैं तो वो सिर्फ ना थोड़े से होते हैं, जो कि सहरी के लिए काम आ जाते हैं। तो मैं इफ्तारी में नहीं बना पाती थी, तो आज पर्सनली मैंने ना इफ्तारी के लिए चिकन मंगाई हूँ। और इतने वक्त से मेरे पास मैदे नहीं थे, मैदा मंगाई, ब्रेड मंगाई। अभी यहाँ पर मैं ना स्वीट बनाने जा रही हूँ, आप लोग गुलगुले बनाने जा रही हूँ, सिंपल। तो मैदा ले ली हूँ, उसके अंदर दही ऐड करेंगे, और दही में काफ़ी पानी था ना, तो वो पानी भी मैंने इसमें ही ऐड कर दी हूँ। अब इसके अलावा जितना भी हमें पानी की रिक्वायरमेंट है वो ऐड कर करके गूंद लेंगे। अच्छा गीला रहेगा, ये आटे के जैसा नहीं रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। पहले गुलगुला बनाते थे तो इस तरह से कितना फेंटते थे, कितना फेंटना पड़ता था। मैंने देखी मेरी अम्मी ये लोग को कितना फेंटते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, बस पानी डाले, गूंदे, रख दिए, फिर उसके बाद एक आध बार मिक्स कर लिए और हो गया। इसमें मैंने खड़ी चीनी मिक्स करके रख दी हूँ। यहाँ पर मैंने ना 400 ग्राम चिकन ले ली हूँ। अब इसके पीसेस कट करने हैं। आप चाहे तो बारीक बारीक स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं, मैं थोड़े से ना ऐसे लंबे लंबे और बारीक से कट कर रही हूँ। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किसी भी तरह से कट कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से कट की हूँ, सारे चिकन को ना इसी तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ना चिकन को कुक कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने ऑयल गर्म कर ली हूँ, थोड़ा सा डालकर, एक दो चम्मच, जितना ऑयल आपको लगता है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। उसके बाद दो चम्मच लहसुन, यानी कि 2 टीस्पून लहसुन को भून ली हूँ। उसे ज़्यादा भूनना नहीं है, बस उसका जो स्मेल है ना, उसकी स्मेल चली जाए, बस इतना ही भूनना है। उसके बाद चिकन ऐड कर दी हूँ, और चिकन में नमक भी ऐड करेंगे, और इसका कलर चेंज हो जाने तक के इसे अच्छे से भून लेना है। तो देखिए यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से चिकन भुन गया है। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। तो ये छोटा सा स्पून है बच्चों के खिलौनों का, हाफ टी स्पून होगा शायद से, उसी स्पून से मैं सारे ही मसाले ऐड कर दे रही हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड की हूँ, रेड चिल्ली ऐड की हूँ, चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स ऐड की हूँ। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेना है और ढक कर 100% कुक कर लेना है। जब तक कि स्टफिंग तैयार हो रही है, यहाँ पर ब्रेड की कटिंग कर लेना है। तो ब्रेड और उसके साथ जितने भी औजार लगने वाले हैं ना, उसे मैं लेकर जा रही हूँ, साइड में बैठकर आराम से कटिंग करूँगी। किचन के पास खड़े होकर कटिंग करते हुए पैर दुख जाते हैं। सीधे से बैठो, उतारूं? बच्चों ने जो है ना एक ब्रेड ले लेकर मेरा पीछा नहीं छोड़ देना, अभी चक्कर उनके लगते ही रहेंगे जब तक कि मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं ब्रेड के किनारे निकाल ले रही हूँ, चारों किनारे निकाल लेंगे हल्के हल्के से, और दो ब्रेड को इस तरह से रख के ना
बेल लेंगे रोल आउट कर लेके। ब्रेड को जब बेल लेंगे ना तो एकदम फ्लैट हो जाएगा और दोनों ब्रेड आपस में इस तरह से चिपक जाएंगे कि एक भी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा एक ही है। और उसके बाद ना इसे कट कर लेना है, कट करके रखते जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे ब्रेड्स को कट कर लूँगी और ये जो किनारे कट रहे हैं ना ये वेस्ट नहीं जाएंगे, इसके हमें ब्रेड क्रम बना लेने हैं। यहाँ पर आके मुझे इतना सुकून मिलता है ना, मिट्टी की खुशबू अलग और प्लांट की अलग सी एक खुशबू आती है और फ्रेश हवा तो पूछो ही मत। विंडो पूरी पीछे साइड है तो यहाँ से एकदम अच्छी हवा आती है। कभी कभी फील होता है ना कि मैं किसी जंगल वंगल में जाकर फार्म हाउस बना कर रहूँ, वहाँ पे सारे प्लांट्स उगाऊँ और बगीचा बनाऊँ, मगर ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मुंबई से बाहर जाने का मन भी तो नहीं करता है ना। अच्छा तो ये जो ब्रेड का मैं बना रही हूँ अभी, अगर इस्तेमाल करना है ना तो इसे बस पीस कर इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर इसे स्टोर करना है या फिर ज़्यादा दिन तक के आपको चलाना है, अभी बच रहे हैं तो इन्हें भुनना पड़ेगा मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अब अपने चिकन का हाल देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बीच बीच में इसे एक एक बार आकर चला कर गई थी, देख कर गई थी, तो यहाँ पर चिकन अच्छे से कुक हो गया है, पानी ड्राई हो गया है। अब एक मैंने ना मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर ली हूँ, इसे ऐड कर देंगे और बस एक से डेढ़ मिनट इसे भून लेंगे ताकि जो इसकी प्याज की स्मेल है वो निकल जाए। साथ ही में मैंने एक टमाटर कट कर ली थी, अंदर की बीजें वगैरह निकाल दी थी और ऊपर के पार्ट से ना ऐड कर दी हूँ। फ्लेम को इस स्टेज पर बंद कर देंगे नहीं तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपके पास सब्जियाँ वगैरह हो वो ऐड कर सकते हैं, अगर सब्जियां ऐड करेंगे तो उसे एक मिनट भून लेना है हाई फ्लेम पर, बस उसकी वो जो कच्चापन है वो निकले, उसे सॉफ्ट नहीं करना रहेगा और ना ही उसका क्रंच ख़त्म करना रहेगा, जितना क्रंची रहेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये चिकन को मैंने सारे ना प्लेट में निकाल दी हूँ ताकि टमाटर सॉफ्ट ना हो। और यहाँ पर देखिए जो हमने ना बैटर बनाया था आटे का, उसमें चीनी अक्खी डाली थी तो वो मेल्ट होने लग गई है, अभी इसे एक बार और मिक्स कर देंगे। अब इसे रख दूंगी जब मुझे बनाना होगा, जब तक कि चीनी पूरी तरह से पिघल जाएगी, जब तक ये अल्लाह की नन्ही सी प्यारी मखलूक सो रही है ना तब तक कि मैं अपने काम कर लेती हूँ। असर हो चुकी है तो यहाँ पर ना मैं आ जाती हूँ किचन में और जो भी बनाना होता है बस 6 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने ना शरबत नहीं बनाई थी क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही बर्फ़ बना हुआ था, दूध ठंडा था, अगर ठंडा नहीं होता था तो मैं बना कर फिर रख देती थी। तो यहाँ पर अभी मैं सारी जो भी बनाने हैं ना शरबत के और जो भी चीज़ें हैं वो सारी निकाल ले रही हूँ फ्रीज़ में से। थोड़े से मैंने काजू बादाम ले ली हूँ, शरबत में भी डालूँगी और फिर दूसरी चीज़ों में भी डालूँगी। ये जो मैंने सीरप बना कर रखी थी ना बहुत काम आता है, तो इसे क्या की हूँ थोड़ा सा ही बचा है, ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा मीठे के हिसाब से मैंने बर्तन में डाल ली हूँ और मेरे पास जो जैली है, सब्ज़ा है, इसे मैं आधा आधा डिवाइड कर दूँगी, एक दिन और इसका शरबत बन जाएगा और टेस्ट तो वाकई बहुत मज़े का बनता है, कभी ट्राई कीजिए। सब्ज़ा भी ऐड कर दी हूँ, अब इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क एकदम पत्थर की तरह बना हुआ है, ज़रा भी इसमें जगह नहीं है कि कहीं से कट कर लिया जाए। तो थोड़ा सा पानी के नीचे ना मैं इस तरह से रख दी हूँ ताकि ये जगह इसमें हो जाएगी और ये हिले डिलेगा तो मैं कैंची लगा सकती हूँ। इसमें मिल्क पलटी करने के बाद मैं अब इसे फ्रीज़ में नहीं रखूँगी, बाहर रहेगा तो जो बर्फ़ है ना उसे थोड़ा बहुत मैं तोड़ दूँगी और थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाएगा इफ्तारी तक के और ठंडा का ठंडा भी रहेगा। ये जो काजू बादाम मैंने कट की हूँ इसे आधा उठाकर मैं शरबत में ऐड कर दूंगी और आधा रखेंगे, इसका मैं बाद में बताती हूँ क्या करना है। और अब चलते हैं हम फ्राई करने की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक तरफ तेल रख दी हूँ गर्म होने के लिए और दूसरी तरफ ना यहाँ पर कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो ब्रेड ना बहुत कम है मेरे पास, 7 ही है क्योंकि बच्चों ने खा लिए थे और 2 ब्रेड तो ऊपर नीचे के निकल जाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक ही एग ली हूँ। अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनाना है, पूरी अखी पैकेट है, तो दो ब्रेड ले, दो अंडे ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, उसमें अच्छे से फैट लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए, इसे अंदर डिप करना है और ब्रेड क्रम में कोट कर लेना है। बस इसी तरह से कोट करते हुए रखते जाएंगे। और अंडे में ना ज़्यादा टाइम इसे नहीं रखेंगे, वरना सॉफ्ट होने लग जाएंगे, ये नरम होते जाएंगे। बस फटाफट से डिप करना है और निकाल लेना है। और इस तरह से बस इसमें ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। तेल एकदम गरम होना चाहिए जब हम इसे ब्रेड को ऐड करेंगे। और जिस तरह से हम पूरी तलते हैं, उसी तरह से तलेंगे। इसे ना ड्रॉप करने के बाद चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा तेल ऊपर करना है और हल्का सा इसे प्रेस करना है, जिससे कि ये फूलना शुरू होंगे। और अल्टी पल्टी करके इसे पूरी तरह से ना गोल्डन फ्राई कर लेना है। हाँ, अगर कोई जगह पर रह जाता है या कोई पूरी नहीं फूलती है ना ये ब्रेड, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम इसे कट करेंगे ना, तो बीच में से अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे चिपकाए हैं ना। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं गुलगुले। इसी तरह का ना मैंने अपनी सिस्टर के यहाँ खाई थी। वो बड़े बड़े पीसेस में था, लेकिन उसका नाम था बंगाली डिश। तो यहाँ पर वो बंगाल का है, कैसा बनता है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं बना रही हूँ ना, ये टेस्टी ज़रूर है। तो जो काजू बादाम कटे हुए थे वो मैंने ऐड कर दी हूँ, साथ ही में मैंने ना तिल ऐड कर दी हूँ। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तेल को मैंने ना दूसरा छान ली थी, क्योंकि ये जिसमें हमने वो ब्रेड के पीसेस फ्राई किए थे, तो उसके ब्रेड क्रम ना थोड़े बहुत निकल के नीचे चिपक गए थे, चिपक जाते हैं। अगर मैं फिर ये हमारे गुलगुले तलती ना, तो उसके ब्रेड जो है ना इसमें चिपक जाते। इसीलिए मैंने तेल को छान कर फिर से तेल को गर्म कर ली हूँ और इसमें एक एक सारे ड्रॉप्स कर दी हूँ। और ये ना बहुत ही जल्दी से फूल भी जाते हैं, तो जैसे ही ड्रॉप्स हो जाए ना, डालकर इसे पलटी कर देना है, वरना फिर ये जब एकदम गोलू मोलू हो जाएंगे ना, तो ये पलटी नहीं होते हैं। तो इस तरह से ना इसे पलटी करके एकदम अच्छा गोल्डन फ्राई कर लेना है। जितना अच्छा डार्क कलर रहेगा ना ये, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे ना डार्क कलर वाला एकदम क्रिस्पी हो जाता है ना, वैसा पसंद है। ये दोनों कितने प्यारे गोल्डन हो गए हैं, इस तरह के मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, मगर घर में किसी को नहीं पसंद आते हैं, बोलते हैं जल गया है। अब यहाँ पर मैं थोड़े से पत्ता गोभी काट ले रही हूँ चिकन में ऐड करने के लिए। तो चलिए जी, ये भी कट गया है। ये जो 6 बजे से 6:30 बजे का टाइम होता है ना इफ्तार का, बहुत ही जल्दी जल्दी होता है। इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना सारी चीज़ें, क्योंकि इस समय फ्राई भी करना होता है और बांटना भी इसी समय होता है। तो चलिए, बहरहाल यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैंने सॉस बना ली हूँ। तो सॉस में मैंने 1/2 कप के करीब मेयोनीज ली हूँ, उसमें थोड़ी सी 1 टीस्पून के करीब मैंने केचप ऐड की हूँ, टमाटो केचप, और कुटी हुई लाल मिर्ची और ब्लैक पेपर पाउडर। फिर उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर दी हूँ। आप लोग चाहे तो मेयोनीज के साथ में शेजवान चटनी या फिर हरी चटनी, जो भी मिक्स करना चाहते हैं चटनी, अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद जो पत्ता गोभी मैंने कट की थी, उसे चिकन में मिक्स कर दी और पॉकेट को बीच से कट कर ली हूँ। और इसमें अब जो सॉस बनाया है हमने ना, वो सब लगाएंगे। तो जितनी क्वांटिटी में लगाना चाहते हैं उतना लगाएं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब लगाई हूँ। अब इसमें फिलिंग भर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तार रेडी हो चुका है। अब इफ्तार का टाइम हो रहा है। 15 मिनट पहले ही दस्तरखान पर बैठकर दुआएं मांगे और दूसरों के लिए भी दुआएं करें। तो चले, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।